नमस्कार जौहर माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टू स्पीड गियरबॉक्स ऑयल कैसे चेंज करते हैं। वो पूरा जो है बताएंगे वीडियो में किस तरह से चेंज किया, आप भी देख सकते हैं। और ये मॉडल जो है दूसरा मॉडल है, गियरबॉक्स को दूसरा कंपनी ने बनाया है, तो इसका जो है कंडीशन अलग। जैसे अलग में क्या रहा कि सामने में आपका लेबुल नट और ड्रेन नट रहता था, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह से दिया है, तो इसमें चलिए देखते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण धर्मा, तो और आप देख रहे हैं रुफदाजन यूट्यूब चैनल। जोहर माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देख सकते हैं टू स्पीड गियरबॉक्स ऑयल चेंज करेंगे और किस तरह चेंज करेंगे, क्या है प्रक्रिया इसका, पूरा जो वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका सामने में जो है इसका ड्रेन नट और लेबुल नट कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसका जो गियर ऑयल सॉरी जो गियरबॉक्स बनाया है शायद दूसरा कंपनी में बनाया है, लेकिन कंपनी का हम नाम हमको नहीं पता वास्तविक में, तो इसलिए जो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। और देख सकते हैं इसका जो पीछे में दिया गया है तीन ठो है, पहले वाला में क्या होता था कि पहले मतलब दूसरा कंपनी वाला जो बनाया होता है उसमें दो ठो रहता है और डालने वाला उसी में लेबल रहता है और ड्रेन अलग से रहता है। और इसमें देख सकते हैं जो डाल टॉप ऑफ किया जाता है और लेबल भी अलग से दिया गया है। तो सबसे पहले अभी हम जो फास्ट वाला का खोल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके खोलेंगे उस ड्रेन करेंगे। तो देख सकते हैं जो है इसका पीछे में दिया गया, अगर आप नहीं जानते हैं मतलब मशीन हम लोग का 17 मॉडल है, तो सब 17 मॉडल में ऐसा नहीं है डिजाइन, कहीं कहीं कंपनी जो है दूसरा कंपनी बनाया होगा, तो उसमें जो है पीछे में दे दिया है गियर ऑयल डालने का। जो फर्स्ट टाइम देखेगा ना तो शायद ही नहीं खोज पाएगा, तो आपको देख लेना चारों तरफ, ऐसा ना हो कि आपका मिस हो जाए। नहीं है तो बोलिए कि नहीं डालना होगा, तो शायद ही आप सोचिएगा, हम भी सोचने लगे कि शायद ही एक्सेल से कनेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी हम सामने से देखे तो पता चला कि यहाँ पे है। काफ़ी हम फ़ोन कॉल भी किए हैं कि कहाँ पे है, मतलब हम देखे नहीं, उससे फ़ोन करने की कोशिश की सबको, तो पता चला कि यहाँ पे है। तो देख सकते हैं फिलहाल हम खोल रहे हैं इसको, खोलने के बाद जो है इसको फिर से टॉप अप किया जाएगा। ज़्यादा तो क्या होता है कि डालने में दिक्कत होता है, ज़्यादा और दिक्कत नहीं होता है इसमें। अगर आपका पाइप रहेगा तो आप भी आसानी से डाल सकते हैं। आपको पाइप जैसे कि हम अगले वाला वीडियो में पाइप के यूज किए, इसमें भी पाइप के यूज करेंगे, तो उसमें अगर पाइप लगा कर डालिएगा तो इसमें उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो देख सकते हैं लेबुल से हम लोग का ऑयल निकलने लगा है, जो बीच में रहता है लेबुल वाला ठो, और ऊपर वाला भी खोल लें ताकि एयर कंडीशन बढ़िया से निकल जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम ड्रेन करेंगे ऑयल को यहाँ से, तो यहाँ नीचे भी कुछ रख दिए जाए ताकि ऑयल आपका वहाँ पे गिरे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो अनलोडिंग में। देख सकते हैं ऑयल जल्दी निकल गया, मतलब वीडियो थोड़ा स्पीड है इसलिए जो है 2 लीटर निकलने में कितना टाइम लगा, 2 लीटर के आसपास ही लगा। तो वहाँ पे देख सकते हैं ऑयल भी हम लोग का जल्दी ड्रेन हो जाएगा स्पीड में है। और खास करके ध्यान दें, जब भी आप ड्रेनर खोलें तो उसमें एक वॉशर रहता है, वॉशर को अगर आप इधर उधर गिरा दीजिएगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। अगर टॉप अप वाला में अगर गिर जाता है उसमें कोई दिक्कत है नहीं उतना, ड्रेन वाला को खास करके ध्यान दीजिए कि वो ना गिरे कहीं पे। देखिए हम लोग का बंद हो गया, बूंद बूंद गिर रहा अभी। टू स्पीड गियरबॉक्स ऑयल चेंज वीडियो न्यू हेल्पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो आसानी से आप भी जो है इस तरह करके नॉलेज पा सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके रखें, आगे भी इस तरह का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आते रहेंगे और आप आसानी से देख के जो है सीख सकते हैं, जो घर में हैं बेसिक जानकारी वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं। तो इसको अभी हम टाइट कर लेंगे, बढ़िया से टाइट कर लेंगे, उसके बाद जो है ऑयल को डाला जाएगा, लेबल में आने तक डालते रहना है। यहाँ पर पाइप हम इंसर्ट कर लेंगे, केवल आसानी से पाइप के द्वारा आप डाल सकते हैं। कुछ देर टाइम डालने के बाद जो आप देख सकते हैं हम लोग का लेबल में आ गया है, तो लेबल में गिरने लगा है, देख सकते हैं बीच वाला में। ड्रेन को हम लोग टाइट कर लिए हैं, तो इसको भी हम अभी टाइट कर दें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग। देख सकते हैं ऑयल चेंज हम लोग का हो गया।